कृष्णा बेटे तेरा ब्रश उठा देना, कपड़े धोने वाला, कपड़े धुलने का ब्रश। तो देखिए मेरे कितने सारे ये कपड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे होने के, कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो देखती हूँ कितने कपड़े मैं हाथ से धुल पाती हूँ, क्योंकि मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई है और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो थोड़े थोड़े करके धुल लूँगी। अभी और भी हैं, ये तो मैंने जो कम गंदे कपड़े हैं वही रखे हैं यहाँ पर, थोड़े से तो धुलने ही पड़ेंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसे एक कॉल और करके देख ले मिस्त्री को। सही कर देंगे जल्दी है ना मशीन, बहुत सारे कपड़े हो गए धुलने को हमारे। वैसे तो ये गर्म कपड़े रोज निकलते हैं, तो इतना ज्यादा इनमें मैल ही निकलता है, इतना ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा मुझे, तो फिर भी गंदे तो रहते ही हैं, धुलने तो पड़ते ही हैं। बस फटाफट से मैंने हल्के हल्के कपड़ों को धुल दूंगी। थोड़े कपड़े तो धुल जाते हैं हाथ से, लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो थोड़ा काम कठिन लगता है धुलने का, क्योंकि अब ज़्यादातर तो मशीन में ही धुलते हैं। जब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तभी धुलती हूँ हाथ से। तो तो मैं हाथ से लूंगी, और सुखाने वाली जो है वो सही चल रही है, कपड़े सुखा उसमें लूंगी, लेकिन धुलने वाला जो होता है वो खराब हो गया है। और इस वाले बाथरूम में ही, बाथरूम ही बोलेंगे, इस वह हमारी मशीन रखी हुई रहती है, तो अब मशीन बाहर रखी है, तो मैं यहाँ पर ही धुल रही हूँ कपड़े, क्योंकि यहाँ पर ही टंकी का पानी है और फिर ज़्यादा सारे में गीला भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बैठकर ही धुलने में आसानी लगती है, क्योंकि पानी भी यहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और बस सारा घर में पानी हो जाता है बाहर, तो वो भी नहीं होगा। मैं धुलने के बाद ऐसे एक बाल्टी में पानी रखती हूँ, निकालती रहती हूँ, तो
सर्फ जो होता है वो सारा ऐसे ही निकल जाता है, जितना ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, पानी की थोड़ी सी बचत हो जाती है अगर इस तरह से धुलते हैं तो। धुलते टाइम सारे कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए मैंने अभी यही सूट पहना हुआ है, भीग जाएगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा। अभी तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, गीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखे जाते। कितना भी सिंगवा कर धो लो फिर भी भीग भी जाते हैं। कमर में दर्द होने लगता है अगर ज्यादा देर बैठकर ऐसे कपड़े धुलने पड़ जाए तो थोड़ा सा कठिन काम तो है ही हाथ से धुलने का, और जब आदत छूट जाती है बिल्कुल तब तो बिल्कुल भी नहीं होता। पहले तो जब मशीन नहीं थी सारे कपड़े हाथ से ही धुलते थे। अभी ये जो सल्ट है इस पर थोड़ा सा मैं ब्रश लगा लेती हूँ। कॉलर और जो इनके कफ होते हैं ये आस्तीनों के, ये ही ज़्यादा गंदे होते हैं और तो होते नहीं है इतने, क्योंकि अभी तो नीचे भी सल्ट के इनर पहना जाता है।